Hello students, today we are going to start lecture 3 on chemical reaction and equation. जैसा कि last lecture में हमने types of reaction के बारे में जाना था, there are 7 types of chemical reaction. First is combination reaction, second is decomposition reaction, third is displacement reaction, fourth is double displacement reaction, fifth is oxidation reduction reaction, sixth is a precipitation reaction, seventh is a neutralization reaction. पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में, इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में. लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन? डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? रिएक्शन इन विच वन कंपाउंड डिकम्पोजेज इन टू और मोर कंपाउंड्स और एलिमेंट्स आर कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन. वो रिएक्शन जिसमें एक कंपाउंड डिकम्पोज होके दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड में ब्रेक होता है या फिर एलिमेंट्स में ब्रेक होता है, वैसे रिएक्शन को हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं. डिकम्पोज का मतलब होता है ब्रेक होना या टूटना, और डिकम्पोज से डिकम्पोजिशन बना है और डिकम्पोजिशन से डिकम्पोजिशन रिएक्शन बना है. डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने पढ़ा था दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जस्ट उसका उल्टा हो रहा है. एक कंपाउंड डिकम्पोज होके दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड में टूट रहा है, वो कंपाउंड भी हो सकते हैं, एलिमेंट्स भी हो सकते हैं. इट इज जस्ट द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. सी ए एंड बी, दिस इज अ कंपाउंड. यहाँ पे ये कंपाउंड के फॉर्म में रिएक्टेंट है, और ये रिएक्टेंट डिकम्पोज होके ए और बी में ब्रेक हो गया है. फॉर एग्जाम्पल हम लोग वाटर को देखते हैं, वाटर को हम लोग डिकम्पोज करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ये डिकम्पोज हो जाता है. मतलब वाटर को जब हम लोग ब्रेक करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एलिमेंट अलग हो जाते हैं. इस रिएक्शन को हम लोग कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन. एक रिएक्टेंट से दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में टूटने को ही हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं. आगे बढ़ते हैं हम लोग. टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यहाँ आगे हम लोग पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप्स. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉज बाय हीट. थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो हीट के कारण होता है. इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉज बाय इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी के कारण होता है. फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये लाइट के कारण होता है, कॉज्ड बाय लाइट. स्टार्ट करते हैं हम लोग एक एक करके. फर्स्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. व्हाट इज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? थर्मल मतलब होता है हीट, मतलब हीट के द्वारा जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है उसे हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं. The decomposition of a substance on heating is known as thermal decomposition or a thermal dissociation. जो decomposition heat के कारण होता है वैसे reaction को हम लोग thermal decomposition या फिर thermal dissociation reaction कहते हैं. आइए देखते हैं example के through. जैसे यहाँ देखिए ए बी एक कंपाउंड है. ए बी कंपाउंड जो है जब इसे हीट दिया गया तब ये ए और बी में डिसोसिएट हो गया, डिकम्पोज हो गया. तो इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. और हम लोग हीट को, ये ट्राइंगल शेप को हम लोग डेल्टा कहते हैं. ये डेल्टा जो है हीट को रिप्रेजेंट करता है. कुछ एग्जाम्पल्स हैं थर्मल डिकम्पोजिशन के. When calcium carbonate is heated, it decomposes into calcium oxide and carbon dioxide.
जब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। देखिए यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको जब हीट किया गया तब ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में डिकम्पोज हो गया, तो इस रिएक्शन को हम लोग कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। एंड देन नेक्स्ट एग्जाम्पल इज व्हेन पोटेशियम क्लोरेट इज हीटेड इट गिव्स पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन। जब हम लोग पोटेशियम क्लोरेट को हीट करते हैं तब ये KCl और ऑक्सीजन गैस में ब्रेक हो जाता है। देखिए यहाँ पर KClO3 को जब हमने ब्रेक किया तब ये KCl और O2 में डिकम्पोज हो गया, तो इस रिएक्शन को हम कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नाउ इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन? वैसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी होता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा डिकम्पोज होता है, वैसे रिएक्शन को हम लोग इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। द डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिक करेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोलिसिस। जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इलेक्ट्रिक करेंट के कारण होता है वैसे रिएक्शन को हम लोग इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन या फिर इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड इन वाटर, जब हम लोग वाटर से इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं तो वाटर में कौन कौन से एटम्स होते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो वाटर डिकम्पोज हो जाता है हाइड्रोजन में एंड ऑक्सीजन में। देखिए यहाँ पे ये वाटर है, वाटर में जब हमने इलेक्ट्रिसिटी इस बैटरी के थ्रू पास कराई तो वाटर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो गया। देखिए यहाँ पे जो ये बबल्स दिख रहे हैं, ये बबल्स ये डिनोट कर रहे हैं कि इस इलेक्ट्रोड से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है और इस दूसरे इलेक्ट्रोड से ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो रही है। ये जो ये एनोड है ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल वाला हिस्सा है जो इस इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड है, और ये जो है ये नेगेटिव टर्मिनल वाला हिस्सा है जो ये दूसरे इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड है। तो पॉजिटिव टर्मिनल को हम लोग एनोड कहते हैं और नेगेटिव टर्मिनल को कैथोड कहते हैं। तो यहाँ हम क्या देख पा रहे हैं कि कैथोड पे, जी ये कैथोड पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है और यहाँ एनोड पर ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो रही है, और वाटर ब्रेक हो रहा किस में, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड इन वाटर इट डिकम्पोजेज इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है वाटर से तो वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो जाता है। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि ये यहाँ पर डिकम्पोजिशन किसके कारण हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के कारण हो रहा है। जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करा रहे हैं तब जाके ये वाटर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो जा रही है, इसलिए इस रिएक्शन को हम कहेंगे इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका रिएक्शन क्या हुआ, वाटर डिकम्पोजेज इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, और इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। आगे चलते हम लोग, नेक्स्ट है हमारा फोटोलिसिस और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलिसिस या फिर फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन उस रिएक्शन को कहते हैं जो कि लाइट के कारण डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, वैसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। द डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉज्ड बाय लाइट इज कॉल्ड फोटो डिकम्पोजिशन
रिएक्शन, वैसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि लाइट के कारण होता है, वैसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आइए एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। देखिए यहाँ पे एक ये चाइना डिश है, ये जो कटोरी है इसे चाइना डिश कहते हैं। चाइना डिश में सिल्वर क्लोराइड है। सिल्वर क्लोराइड पे जैसे ही सनलाइट, सन की रेज जो है इस पे पड़ रही हैं, जैसे ही सनलाइट इसमें पड़ती है सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज हो जाता है सिल्वर मेटल में एंड क्लोरीन गैस में। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन या फिर फोटोलिसिस। देखिए व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज अ पुट इन सनलाइट इट डिकम्पोजेज इनटू सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस। सिल्वर क्लोराइड को हम लोग सनलाइट में रखते हैं तो ये डिकम्पोज होके सिल्वर मेटल और क्लोरीन गैस में टूट जाती है। देखिए इस केमिकल इक्वेशन के जरिए हम समझते हैं, AgCl को जब हम सनलाइट में रखते हैं तो Ag और ये क्लोरीन गैस में डिकम्पोज हो जाता है। दूसरा एग्जांपल, व्हेन सिल्वर ब्रोमाइड इज अ पुट इन सनलाइट इट डिकम्पोजेज इनटू सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस। और जब सिल्वर ब्रोमाइड को भी जब हम लोग सनलाइट में रखते हैं तो सिल्वर ब्रोमाइड डिकम्पोज हो जाती है सिल्वर मेटल में और क्लोरीन गैस में। इसलिए इस रिएक्शन को हम कहते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए AgBr है, AgBr को जब हम लोग सनलाइट में रखते हैं तो ये Ag में और Br2 में डिकम्पोज हो जाती है। इसलिए इस रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है ये किसके कारण हो रहा है, सनलाइट के कारण हो रहा है, इसमें लाइट इन्वॉल्व है, इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग कहेंगे फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं। क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट बाय फॉलोइंग इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है, उसे आपको पहचानना है कि जो रिएक्शन है वो कौन सा रिएक्शन। अभी तक हमने दो टाइप के केमिकल रिएक्शन पढ़ लिए हैं, पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इन दोनों रिएक्शन में से आपको पहचानना है कि कौन सा रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन है और कौन सा रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।